आज हम बात करेंगे गाय की, वो गाय नहीं जो हमें हमारे लिए दूध देती है। नमस्कार, मैं प्रदीप शुक्ल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे नील गाय की। नील गाय यानी कि ब्लू काऊ, इसका जूलॉजिकल नेम बुसलेफस ट्रैगोकैम्बलस है और जो फैमिली बोविडी और जीनस बुसलेफस से जो है बिलोंग करती है। ये लार्जेस्ट इंडियन एंटीलोप है, ये भी बोल सकते हैं। ये मेल है, मेल के आप देख सकते हैं गर्दन पे सफ़ेद बड़ा गोल धब्बा होता है, और ये फीमेल है, इस पर इसके सींग नहीं होती है। तो मेल की हम लोग बात कर रहे थे, ये करीब 1 से 1.5 मीटर तक जो है हाइट में होता है और वज़न 109 से करीब 288 किलोग्राम तक हो सकता है, और गले पे बड़ा धब्बा आपने देखा ही। तो वहीं फीमेल की बात करें तो ये जो है फीमेल और जो किशोर वय के जो नील गाय होते हैं वो ऑरेंज से टॉनी कलर या पीले भूरे कलर के होते हैं, और फीमेल का वज़न 100 से 213 किलोग्राम के बीच में हो सकता है। सींग केवल मेल को ही होती है, जो सींग होती है वो करीब 20 सेंटीमीटर की होती है। अगर हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो कंजर्वेशन स्टेटस इनका जो है लीस्ट कंसर्न है, यानी हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। काफ़ी संख्या में हमारे देश में मौजूद हैं, या पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो। ये डायरनल होते हैं, यानी कि दिन के समय सक्रिय होते हैं, अपना भोजन अधिकतर दिन में ही खोजते हैं। इनका जो बैंड है यानी कि जो ग्रुप है वो करीब 3 प्रकार से हम इसको जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, जिसमें 1 या 2 फीमेल और जो है यंग बछड़े होते हैं, और दूसरा जो ग्रुप है उसमें 3 से 6 एडल्ट हो सकते हैं जिसमें फीमेल और बछड़े होते हैं, और जो तीसरा ग्रुप है इनका इसमें सारे मेल्स होते हैं जिसमें 2 से 18 तक के मेंबर्स हो सकते हैं। इसमें आप जो है दोनों मेल्स देख रहे हैं, ये सींग आपको हो सकता है छोटी छोटी नज़र आ रही हो। ये सामान्यतः सीधे होते हैं और हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब ये घास आप देख रहे हैं, ये बरसीम की जो है फसल यहाँ पर खा रहे हैं, ग्रास प्लांट ये सब खाते हैं। और फीमेल करीब 2 साल में मैच्योर हो जाती है, जबकि मेल को मैच्योर होने में 4 से 5 साल लगते हैं। और इनका जो गेस्टेशन पीरियड है फीमेल का, यानी कि गर्भधारण का जो समय है वो 8 से 9 महीने है। 8 से 9 महीने बाद ये बच्चा दे देती हैं। ये अधिकतम एक ही बच्चे का ही जन्म होता है, लेकिन कभी कभी 2 या 3 भी हो सकते हैं, यानी कि जुड़े हुआ ट्विंस या ट्रिपलेट भी। और बछड़े जन्म के कुछ समय तक छुपे रहते हैं, और इनका जीवन काल लगभग 10 साल का होता है। ये आप मेल देख रहे हैं, गले में इसके पैच आप धब्बा वाइट रंग का देख रहे होंगे। ये अधिकतर वहाँ रहते हैं जहाँ छोटी झाड़ियाँ, एग्रीकल्चरल लैंड, ये खेती वाली ज़मीन के आसपास घास के मैदान हो। घने जंगलों में ये कम जाते हैं या वहाँ कम पाए जाते हैं, और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो है पाए जाते हैं, और हिंदू धर्म में सैक्रेड इनको माना जाता है, पवित्र माना गया है। और इनका केवल नाम ही गाय से सिमिलर है, बाकी कुछ नहीं, बाकी फीचर गाय से एकदम अलग है। और नॉर्थ इंडिया में ये पेस्ट यानी कि फसलों को नुकसान पहुंचाने के तौर पे इनको जाना जाता है, क्योंकि ये पूरे फसलों को रौंद डालते हैं, और लंबी गर्दन के कारण ये पेड़ की डालियां भी खा जाते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बछड़ा, इसको चोट लगी है, अपने ग्रुप से बिछड़ गया है और ये जो है चल नहीं पा रहा है। तो ये जो है बिल्कुल, मैं पास जा कर के भी देख रहा हूँ तब भी नहीं उठ पाया। तो ये फसलों को नुकसान पहुँचाने के एक प्रमुख फैक्टर हैं। बिहार में इसीलिए इनको आपराधिक घोषित किया गया और बिहार सरकार ने इनको शूट करने की इजाज़त जो है दे दी। और इनका जो फीडिंग करने, भोजन करने का समय है सुबह शाम चरम पे होता है, और मेटिंग लगभग पूरे साल होती है, किंतु अक्टूबर से फरवरी के बीच ब्रीडिंग सीजन अधिक होता है, वह नवंबर से दिसंबर के बीच एकदम पीक पर होता है। और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक हैं, मतलब खाली यहाँ पे अधिक पाए जाते हैं, और इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हालांकि 2019 में करीब 22 नील गाय बांग्लादेश में देखे गए हैं। भारत में यह वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के 3rd शेड्यूल के अंतर्गत यह जीव जो है प्रोटेक्टेड है, और रिलीजियस सेंटीमेंट की वजह से हिंदूज़ इसको जो है कंज्यूम नहीं करते, इसके मांस को। राजस्थान के विश्नोई समाज के लोग इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। भारत के कुछ राज्यों जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व यूपी
में इनकी संख्या बहुत अधिक है, जिससे खेतों को नुकसान हो रहा है। अतः किसानों ने सरकार से इनको मारने की अनुमति भी कई बार मांगी है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार सरकार ने इनको जो है अपराधी की श्रेणी में रखने की केंद्र से मांग भी की थी। यूपी सरकार में हालांकि बाद में जो लाइसेंसी हथियार धारक हैं उनको मारने की जो है छूट दी गई थी। अब इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। इसके मल में लगभग 1.6% नाइट्रोजन होता है, जो मिट्टी की क्वालिटी को, मतलब कि उपजाऊ बनाने में मददगार है। इससे एफॉरेस्टेशन को हेल्प मिलती है और इनकी फर्टिलिटी प्रोसेस को रोक करके आबादी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये आवाज़ बहुत कम करते हैं और ये कड़ी धूप व गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और यह बिना पानी पिए कई दिन तक रह सकते हैं। इनकी सूंघने की शक्ति अच्छी होती है, वह सुनने की बहुत कमज़ोर होती है। और एक और फैक्ट मैं बता दूं, ये देखिए थोड़ी देर के लिए धूप में सुस्ता रहा है, ये 10 माह के बाद बछड़े माँ का साथ छोड़ देते हैं और हमउम्र बछड़ों के साथ जो है रहने चले जाते हैं। तो मैंने बताया कि आजकल नॉन लीथल डार्ट सुई का इस्तेमाल करके इनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोक दिया जाए तो इनकी आबादी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।